अगर आप 2022 में एक मैक लेना चाहते हो, देन आई प्रॉमिस दैट बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा अबाउट मॉडल्स, रैम, स्टोरेज, कहाँ से लेना चाहिए, अमेजोन या एप्पल स्टोर, एवरीथिंग. This is my 2022 Mac buying guide for students. Let's get started. Just a note, ये एक buying guide है, तो I won't be covering the technical details. I will assume कि आपको पता है कि आपको Windows laptop नहीं है, एक Mac ही लेना है. आपको पता है कि आपके जितने softwares हैं वो सब Mac पे चलते हैं. So I won't cover all those details. And secondly, मैं सोच रहा था कि एक Mac buying guide के साथ एक iPad buying guide भी बनाऊँ, क्योंकि बहुत सारे iPad models हैं और confusing हो जाता है. So let me know in the comments कि अगर आप वो video देखना चाहोगे. Now स्टार्टिंग विद द गाइड, फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ से लेना चाहिए, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, एप्पल स्टोर से या फिर अपने ऑफलाइन रिटेलर्स से. इस चीज़ का आंसर एक यू नो कॉन्स्टेंट आंसर नहीं है, ये चेंज होता रहता है बिकॉज डिफरेंट ऑफर्स, डिफरेंट कार्ड ऑफर्स, बैंक ऑफर्स, ये सब चलते रहते हैं. सो इट विल लार्जली डिपेंड ऑन कि आप ये वीडियो कब देख रहे हो. तो दैट्स वाई आई विल गिव यू अ गाइड फॉर दिस एज वेल. तो यहाँ पर जो आपका एप स्टोर ऑनलाइन है वहाँ से लेने के आपको दो फायदे हैं. एक तो ये है कि आप कस्टम कन्फिग्रेशन कर सकते हो, आप 16GB रैम वाले मॉडल्स जो हैं यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो, जो कि आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट नहीं मिलेंगे और ऑफलाइन रिटेलर्स पे भी बहुत मुश्किल से मिलेंगे. तो अगर आपको कस्टम कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, 16GB रैम चाहिए, तो आपको यू नो यू डोंट हैव मच ऑफ अ चॉइस हियर, आपको एप्पल इंडिया ऑनलाइन स्टोर से ही लेना पड़ेगा. यहाँ पर दूसरा फायदा ये है कि आपको स्टूडेंट डिस्काउंट मिलेगा. तो अगर आपके पास एक कॉलेज आईडी है, आप इंडियन स्टूडेंट हो, तो आप इजिली 10,000 rupees का डिस्काउंट अवेल कर सकते हो ऑन मैकबुक एयर, मैकबुक प्रो और उसके हायर वाले मॉडल्स पे तो अप टू लाइक 20,000 rupees तक का डिस्काउंट भी चला जाता है. एट द सेम टाइम यहाँ पर हमारे जो रिटेलर्स हैं, अमेजोन, बाकी वेबसाइट्स हैं, ऑफलाइन रिटेलर्स हैं, यहाँ पर फायदा ये है कि क्योंकि अब ये लैपटॉप्स को लॉन्च हुए काफ़ी टाइम हो गया, अराउंड एक साल हो गया, तो यहां पर आपको ये चीजें एमआरपी पे नहीं मिल रही हैं, ऑलरेडी डिस्काउंटेड रेट्स पर मिल रही हैं. और उसके साथ साथ अगर आप कोई फेस्टिव सीजन में शॉपिंग कर रहे हो तो वहां पर आपको 7,000 rupees, 8,000 rupees का डिस्काउंट कार्ड्स पे, बैंक्स पे मिल जाता है. सो इट इज पॉसिबल कि आपको एप्पल इंडिया की वेबसाइट से स्टूडेंट डिस्काउंट लगाकर भी जो है यहाँ पर सस्ता मिले अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर जो ऑफलाइन रिटेलर्स हैं आपके. तो आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो तब आप चेक कर लेना कि क्या क्या ऑफर्स चल रहे हैं, क्या स्कीम्स चल रही हैं, एंड यू कैन देन डिसाइड कि आपको कहाँ से लेना है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मॉडल्स. बाय द वे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो पहले सब्सक्राइब कर लो. यहाँ पर तीन ऑप्शंस हैं, M1 MacBook Air, M1 MacBook Pro और 14-inch M1 Pro MacBook Pro. यहाँ पर लेट्स स्टार्ट विद द M1 MacBook Air. I would call this the holy grail of student laptops. इस लैपटॉप को लॉन्च हुए एक साल हो गया है एंड इट इज स्टिल आई थिंक द बेस्ट लैपटॉप दैट अ स्टूडेंट कैन बाय, एटलीस्ट फॉर द प्राइस दैट इट ऑफर्स. तो यहाँ पर जो ये लैपटॉप है, इसकी जो परफॉर्मेंस है, डिस्प्ले, स्पीकर्स, कीबोर्ड, बैटरी लाइफ, एवरीथिंग इज सो अमेजिंग. इसका बेस मॉडल कम्स एट 256GB स्टोरेज, 8GB रैम फॉर 92,000 rupees. ये इसका MRP है, बट आपको एप्पल इंडिया के स्टूडेंट डिस्काउंट से ये चीज़ 83,000 rupees की मिल जाती है. एट दिस प्राइस इस लैपटॉप का एक साल बाद भी कोई कॉम्पिटिशन नहीं है. आप इस पर सीरियस वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, ये सारे सॉफ्टवेयर्स बिना किसी इशू के यूज़ कर सकते हो. और साथ ही साथ आप कोडिंग करोगे तो कोडिंग कर आप आराम से कर सकते हो, सारा कुछ सपोर्टेड है. आफ्टर 1 year जो भी सारी एप्पल सिलिकन पे सपोर्ट आनी थी वो मोस्ट सॉफ्टवेयर्स की आ चुकी है. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट एज वेल. एंड आई हैव बीन पर्सनली यूजिंग एप्पल सिलिकन टू डू माई वीडियो एडिटिंग, माई कोडिंग, एवरीथिंग, ऑल कॉलेज वर्क. और मेरे को आज तक हार्डली कभी एक दो बार इशू फेस हुआ होगा विद इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर्स, वो भी अब जो है सॉल्व सब कुछ हो चुका है. माई फेवरेट पार्ट अबाउट दिस लैपटॉप इज एक्चुअली द बैटरी लाइफ, क्योंकि यार परफॉर्मेंस जो है यू नो दैट्स फाइन, बट एवरी वन डजेंट एडिट वीडियोज, एवरी वन डजेंट यूज फोटोशॉप, ये सारे सॉफ्टवेयर्स हर कोई नहीं यूज़ करता. बट बैटरी लाइफ इज समथिंग जो सबको चाहिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, एंड स्पेशली जब हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं. आप इसको ईजिली अपने घर से चार्ज करके लेके जाओ, कॉलेज में आप नोट्स लो, कोडिंग करो, क्लास में बैठो, इसको इस पर ऑनलाइन क्लासेस भी लगाओ, तो ये आपका पूरा दिन इजीली लास्ट कर जाएगा. अब बात करते हैं इसके कॉन्फ़िगरेशंस की. अगर आप इसको अपग्रेड करना चाहते हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको 512GB स्टोरेज पे पहले अपग्रेड करो बिफोर चेकिंग द रैम. यहाँ पर जो आपकी स्टोरेज है 256GB, ऑल दो वो इनफ होनी चाहिए मोस्ट लोगों के लिए, बट फिर भी अगर आपको चाहिए यू नो हेडरूम चाहिए कि आप जो है सॉफ्टवेयर्स डालते जाओ, आपको अपने SSDs नहीं लगाना, हार्ड डिस्क नहीं लगाना, आपको एक यू नो ऑल इन वन मशीन टाइप का चाहिए जिसके साथ आपको और कुछ एक्स्ट्रा स्टोरेज लगाने की जरूरत नहीं है, तो आई वुड से यू कैन अपग्रेड टू 512GB.
यहाँ पर जो रैम है 8GB दैट इज इनफ फॉर मोस्ट पीपल, तो आप उस पर जो है पहले पैसे मत खर्चना. इफ़ यू हैव द बजट टू अपग्रेड लेटर श्योर वाई नॉट, बट पहले आप जो है इसमें स्टोरेज ही अपग्रेड करना. अब बात करते हैं हमारे रैम की. वॉट इफ क्या आपको इस मैकबुक एयर में 16GB रैम चाहिए? वेल इन दैट केस आई वुड रिकमेंड कि आप यू नो मैकबुक एयर मत लो, आप मैकबुक प्रो की तरफ देखो. द रीज़न इज दैट ये एक फैनलेस लैपटॉप है, ठीक है, इस पर सारा कुछ चलता है, इस पर आप आराम से सब कुछ कर सकते हो. बट द इशू इज़ के अगर आप एक पावर यूज़र हो, आप 10 मिनट से ज़्यादा इस CPU को फुल पावर पे यूज़ करोगे, लाइक वाइल एडिटिंग वीडियोस, वाइल यूजिंग ऑल दी सॉफ्टवेयर्स. तो यहाँ पर क्योंकि इस लैपटॉप में फ़ैन नहीं है, ये गर्म हो जाएगा, एंड टू कूल डाउन इट विल हैव टू स्लो डाउन इट्स प्रोसेसर. अब ऐसा नहीं है कि आप इसको बिल्कुल यूज़ ही नहीं कर पाओगे, बहुत स्लो हो जाएगा, यू नो लैग करने लगेगा, बट स्टिल द परफॉर्मेंस विल नॉट बी कंसिस्टेंट. तो अगर आप जो है इसमें 16GB रैम लेने का सोच रहे हो, आई वुड सजेस्ट लुकिंग एट मैकबुक प्रो इंस्टेड, बिकॉज उसमें एक फ़ैन है. एंड लेट्स जंप टू द मैकबुक प्रो नाउ. सो आई बीन पर्सनली यूजिंग द M1 मैकबुक प्रो विद 16GB रैम फॉर ऑलमोस्ट 1 year नाउ. तो मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस लैपटॉप के साथ. द डिफरेंसेस बिटवीन M1 प्रो एंड M1 एयर आर वेरी सटल. लाइक इसमें एक फ़ैन है, इसका डिस्प्ले थोड़ा ब्राइटर है, इसका ट्रैक पैड थोड़ा बड़ा है, इसके माइक्स थोड़े से बेटर हैं. तो ऐसे ही छोटे छोटे डिफरेंसेज हैं इसमें, बैटरी लाइफ भी थोड़ी सी ज़्यादा है. बट या द मेन डिफरेंस इज़ द फ़ैन, और इसी वजह से मैंने एयर की जगह इस प्रो को परचेज किया है. यहाँ पर जो मैकबुक प्रो है ये आपका थ्रॉटल नहीं करेगा, इसको आप लंबे टाइम के लिए अगर इसके CPU को 100% यूज़ करोगे तो इसके फैंस ऑन हो जाते हैं. हालांकि मैंने अपने एक साल के यूज़ में शायद ही लाइक 7-8 बार फैन सुने होंगे, बट या जब वो ऑन होते हैं इट डेफिनेटली हेल्प्स कीप द लैपटॉप कूल और परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रहती है. अब M1 मैकबुक प्रो का जो बेस मॉडल है दैट इज़ फॉर 1,22,000 रुपीज़, 256GB स्टोरेज, 8GB रैम, ये आपको मिलेगा 1,10,000 रुपीज़ का विद स्टूडेंट डिस्काउंट. अब इसमें अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो, मैंने आपको एयर में बोला था कि अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो तो पहले आप 512GB स्टोरेज करो. यहाँ पर मैं बोलूँगा कि पहले आप रैम करो, क्योंकि अगर आप एयर को छोड़ के अगर प्रो ले ही रहे हो दैट मीन्स आई विल अज्यूम कि अगर आप यू नो इन हैवी ऐप्स को यूज़ करते हो तभी आप एक प्रो लैपटॉप के लिए ऑप्ट कर रहे हो जिसमें एक फ़ैन है. तो आई वुड सजेस्ट यू गो फॉर द रैम अपग्रेड फर्स्ट. आप रैम को 16GB करो एंड उसके बाद अगर आपका बजट है देन ऑफकोर्स आप स्टोरेज करो, जो भी आपको करना है कर सकते हो. यहाँ पर जो रैम का फ़ायदा है ये है कि ये एक यूनिफाइड मेमोरी रैम है. ये 8GB रैम, ऑल्दो 8GB कहने को 8GB है, बट पुराने वाले मैकबुक्स के कंपैरिजन में दिस इज़ मच मोर इफेक्टिव दैन देयर 8GB. और वैसे ही यहाँ पर अगर आप इसको 16GB करते हो, दिस 16GB इज़ मच मोर इफेक्टिव दैन प्रीवियस 16GB. तो आप इसको बाद में अपग्रेड नहीं कर सकते रैम को, स्टोरेज को आप इसमें हार्ड डिस्क लगा सकते हो, SSD लगा सकते हो. एंड दैट इज़ द रीज़न आई रिकमेंड कि अगर आप एक हैवी काम करने के लिए लैपटॉप ले रहे हो आप रैम को प्रायोरिटी दो. नाउ मूविंग ऑन टू द मोस्ट एक्सपेंसिव M1 प्रो 14-inch मैकबुक प्रो, जो कि स्टार्ट होता है 1,95,000 रुपीज़ से एंड दैट विल कॉस्ट यू 1,75,000 रुपीज़ विद स्टूडेंट डिस्काउंट. इसके बहुत सारे मॉडल्स हैं, बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस हैं. अगर मैं इसको डिस्कस करने बैठा तो वीडियो आधे घंटे का हो जाएगा. आई विल ओनली कवर द बेस मॉडल जो यहाँ पर 512GB रैम, 512GB स्टोरेज और 16GB रैम के साथ आता है, बिकॉज आई थिंक यू नो दैट्स द मॉडल स्टूडेंट्स माइट लुक एट. वो भी आई एम प्रिटी श्योर के इस वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं दे विल मोस्टली प्रेफर द M1 मैकबुक प्रो या M1 मैकबुक एयर. बट द गुड थिंग अबाउट दिस लैपटॉप इज द ग्राफिक्स परफॉर्मेंस. तो ऑल दो जो M1 चिप है दैट इज वेरी पावरफुल, मोस्ट लोग 95% जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इंक्लूडिंग मी, उनके लिए M1 चिप इज़ मोर देन इनफ. बट यहाँ पर जो M1 प्रो है, ये नया लैपटॉप आया है, इसकी जो ग्राफिक्स कैपेबिलिटी है दैट इज़ इनसेन. तो अगर आप आफ्टर इफेक्ट्स का कुछ काम करते हो, 3D का कुछ काम करते हो, ओनली देन यू विल बेनिफिट फ्रॉम दिस लैपटॉप. अदरवाइज आपको जो है परफॉर्मेंस में इतना बड़ा जंप नोटिस नहीं होगा, बिकॉज द मेन डिफरेंस इज इन डीड द ग्राफिक्स पावर. अब यहाँ पर माई एडवाइस इज कि अगर आप एक M1 मैकबुक प्रो जो 13-inch वाला है उसको आप 1TB स्टोरेज, 16GB रैम ऐसे ऐसे कन्फिगर कर रहे हो, सो इट इज़ बेटर टू स्पेंड सम एक्स्ट्रा मनी एंड गो फॉर दिस 14-inch मैकबुक प्रो इंस्टेड, बिकॉज इसका सब कुछ माइल्स बेटर है 13-inch मैकबुक प्रो से. इसके स्पीकर्स, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, डिज़ाइन, इसमें पोर्ट्स हैं, नया डिज़ाइन है, तो एवरीथिंग इज़ मच मच बेटर एंड यू विल हैव अ फार मोर एन्जॉयबल एक्सपीरियंस विद दिस वन.
बट या दिस इज वट आई विल से अबाउट दिस लैपटॉप. इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा बिकॉज दिस इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव एंड आई डोंट थिंक दिस यू नो रियली क्वालिफाइज एज अ स्टूडेंट लैपटॉप फॉर दिस वीडियो. सो दिस इज एवरीथिंग दैट आई हैड टू कवर. आई होप कि आपको इससे थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी, आपको अपना जो बाइंग डिसीजन है वो बनाने में थोड़ा और आसान हो रहा होगा. अगर फिर भी आपको कुछ रिकमेंडेशंस चाहिए, एडवाइस चाहिए, यू कैन लीव दम इन द कॉमेंट्स. आई विल डेफिनेटली रिप्लाई. यू कैन रीच मी ऑन इंस्टाग्राम @KirathAlreja या फिर ट्विटर पे @KAlreja एंड आई विल रिप्लाई टू यू देयर एज वेल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब कर लो चैनल को, लाइक द वीडियो एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन.